किसी जमाने में पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर रहे देवेंद्र बम्बीहा गैंग के तीन बड़े बदमाश, या फिर यूं कह सकते हैं देवेंद्र बम्बीहा के लेफ्ट और राइट हैंड, तीन बदमाश अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। अपने आप को कहें या फिर एक दूसरे को कहें, वो तीनों मर जाते हैं। और कहा यही जाता है पुलिस की तरफ से, उन तीनों ने अपने आप को ही मार लिया। तो आखिर वो तीन बदमाश कौन थे जो देवेंद्र बम्बीहा के लेफ्ट और राइट हैंड कहे जाते थे, या फिर उनके आसपास के बदमाश कहे जाते थे, और उन्होंने एक दूसरे को क्यों गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? जबकि उन तीनों बदमाशों के बारे में कहा जाता था कि वो तीनों इतने ज़्यादा कुख्यात गैंगस्टर हैं जो देवेंद्र बम्बीहा की मौत के बाद देवेंद्र बम्बीहा को गैंग को ऑपरेट करते थे, और उन्हीं तीनों ने आज के मौजूदा वक्त में जो देवेंद्र बम्बीहा की गैंग को ऑपरेट करता है लकी पटियाल, उसकी एंट्री कराई थी। तो आखिर इन तीनों ने आत्महत्या क्यों की थी, इन तीनों ने एक दूसरे को क्यों मारा था, इन सब बातों को आज आपको विस्तार से एक एक बातें बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को ना तो बढ़ावा देना होता है, ना ही समर्थन देना होता है, क्योंकि ये बदमाश इसी समाज में रहते हैं और हमारा आपका इनसे कब आमना सामना हो जाए, तो इनके बारे में हमें जानकारी थोड़ी सी होना चाहिए ताकि हम अपराध और अपराधियों से सतर्क रह सकें, सचेत रह सकें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। तो देवेंद्र बम्बीहा जो पंजाब के मोगा जिले के बम्बीहा गांव में पैदा हुआ, बचपन में स्कूल जाता था तो इसका नाम था देवेंद्र सिंह सिद्धू। ये जब 12वीं में पढ़ता था तो कबड्डी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन गांव के ही किसी विवाद में इसका नाम सामने आता है, इसे जेल होती है और ये फरीदकोट जेल में जाता है। फरीदकोट जेल में जाने के बाद जब इसकी मुलाकात वहाँ पर एक कुख्यात गैंगस्टर से होती है जिसका नाम था रणजीत सिंह शेपेवाला। रणजीत सिंह शेपेवाला से इसकी वहाँ पर अच्छी दोस्ती होती है, जान पहचान अच्छी होती है, और ये मिलकर बाहर निकलकर कुछ अपराध की दुनिया में नया करने के लिए वहाँ पर योजना बनाते हैं, जो कहीं से सही नहीं होता, लेकिन फिर भी जो कहानी है वही हम आपको बता रहे हैं। तो रणजीत सिंह शेपेवाला की जमानत होती है, रणजीत शेपेवाला बाहर आता है और बाहर आने के कुछ ही दिनों के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके विरोधी गैंग के बदमाश उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन उसके बाद जब देवेंद्र बम्बीहा भी बाहर आता है तो रणजीत शेपेवाला का एक भाई होता है जिसका नाम था गुरुबख्श शेपेवाला। वो देवेंद्र बम्बीहा और तीन और लोग, जिसमें एक का नाम था बंटी ढिल्लो, चंपी डॉन और निशांत, तीन चार पांच लोग मिलके एक बड़ी गैंग बनाने की सोचते हैं और एक गैंग बनाई जाती है, और ये गैंग सबसे पहले वारदात को अंजाम देती है अपने भाई गुरुबख्श शेपेवाला के भाई रणजीत शेपेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए। उसके बाद ये पांचों मिलकर रणजीत शेपेवाला के हत्यारों को मौत के घाट उतार देते हैं, और इन सबका मुखिया होता है देवेंद्र सिंह सिद्धू। उस वक्त तक इसका नाम था देवेंद्र सिंह सिद्धू, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो चारों कहते हैं कि हमारा मुखिया रहेगा देवेंद्र बम्बीहा। और इस वक्त इस वजह से कुछ इस तरह से बम्बीहा गैंग की शुरुआत होती है, और देखते ही देखते बम्बीहा गैंग पूरे पंजाब के अंदर फरीदकोट, मोगा या फिर आसपास के तमाम जिलों में दहशत फैलाना शुरू कर देता है। ये पांच ऐसे बदमाश थे जो पांचों मिलकर बहुत तेज़ी से अपराध की सीढ़ियों को चढ़ते जा रहे थे। लेकिन देवेंद्र बम्बीहा ने अपने इन साथियों के साथ मिलकर साल 2016 में एक ऐसे गैंग वॉर को अंजाम दिया जो उसकी मौत की वजह भी बना, और इन तीनों बदमाशों के, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, इन तीनों बदमाशों की मौत की भी वजह वहीं से शुरुआत हुई। दरअसल 2016 की बात है, देवेंद्र बम्बीहा गैंग के बदमाशों ने अपने विरोधी गैंग जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो बदमाशों को किडनैप किया। इन दो बदमाशों को किडनैप करने के बाद उन्होंने साफ तौर से जग्गू भगवानपुरिया को यह मैसेज भी देने की कोशिश की। जग्गू भगवानपुरिया भी अपने आप को कहीं ना कहीं बड़ा बदमाश मानता था, और वो देवेंद्र बम्बीहा को सबक सिखाने के लिए वो भी योजना बनाता है, और तरन तारण में उसके बाद एक ऐसा कांड होता है जिसमें करीब 150 से 200 राउंड गोलियाँ चली थी, और जब इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया जिसमें जिन दो बदमाशों को किडनैप किया था देवेंद्र बम्बीहा ने, उसमें से एक की मौत हो जाती है और एक को जग्गू भगवानपुरिया छुड़ाकर ले जाता है। उस वक्त देवेंद्र बम्बीहा किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागता है, जग्गू भगवानपुरिया भी देवेंद्र बम्बीहा से जान बचाकर भागता है, मतलब दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। लेकिन रात के वक्त उस वक्त कहीं ना कहीं जब दोनों गैंग के बदमाशों की गोलियां लगने से मौत होती है तो दोनों एक दूसरे को छोड़कर वहीं पर भाग जाते हैं। इसके बाद देवेंद्र बम्बीहा गैंग के खिलाफ जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने सोशल मीडिया पर बकायदा पोस्ट किया था। हालांकि इस घटना के बाद जब पंजाब पुलिस को मालूम चलता है कि तरन तारण में कौन सा कांड हुआ रात में, अब देवेंद्र बम्बीहा और जग्गू भगवानपुरिया इन दोनों की तलाश में पंजाब पुलिस जुट जाती है। जग्गू भगवानपुरिया मिलता है, उसे जेल होती है,
लेकिन देवेंद्र बम्बीहा नहीं मिलता। ये घटना है जुलाई 2016 की और पुलिस बहुत ही शिद्दत से देवेंद्र बम्बीहा को खोजने में लग जाती है और जुलाई का महीना बीत जाता है, अगस्त का महीना बीत जाता है और तारीख आता है 9 सितंबर 2016 जब देवेंद्र बम्बीहा को पंजाब पुलिस एक एनकाउंटर में ठोंक देती है। तो देवेंद्र बम्बीहा की मौत के बाद उसके गैंग के चार बदमाश बचे थे जिसमें से गुरुबख्श शेवेवाला, जंपी डॉन, बंटी ढिल्लो और निशांत। ये चारों डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने की सोचते हैं लेकिन गुरुबख्श शेवेवाला पकड़ा जाता है, उसे जेल हो जाती है। अब ये तीन बदमाश अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। फिर इनका एक और गैंगस्टर साथी जो उस वक्त पंजाब के लुधियाना जेल में बंद होता है जिसका नाम था सरणी, वो उससे मिलते हैं, उससे छिपने का ठिकाना पूछते हैं जेल के अंदर। तो वो अपने मौसी का पता देता है जो उसकी मौसी हरियाणा के डबवाली सदर इलाके में रहती हैं और उनका एक नया नया घर बन रहा होता है। तो उसकी मौसी भी मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौसी उन बदमाशों को छिपने में उनकी मदद करती हैं और वो लोग हरियाणा के डबवाली सदर के गांव में आराम से उनके नए मकान में, जो मकान निर्माणाधीन मकान मतलब बन रहा था उसमें आराम से वो लोग रहते हैं और वहीं पर काफ़ी दिनों से, करीब 10-15 दिनों तक वहीं पर वो अपना वक्त गुजारते हैं पुलिस से बचकर। इधर पुलिस देवेंद्र बम्बीहा की मौत के बाद, देवेंद्र बम्बीहा के एनकाउंटर के बाद लगातार उसके गैंग को ख़त्म करने की कहीं ना कहीं प्लानिंग करती है लेकिन ये तीनों बदमाश कहाँ छिपे होते हैं ये नहीं पता। और इन तीनों बदमाशों के बारे में मुखबिरों को सूचना दी जाती है कि इन तीनों बदमाशों की खोजबीन की जाए। मुखबिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, NCR हर इलाके में मुस्तैद हो जाते हैं। तभी मुखबिर से सूचना मिलती है पुलिस को, फरीदकोट पुलिस को, ये तीनों बदमाश हरियाणा के डबवाली सदर इलाके के एक गांव में है और वहां पर एक निर्माणाधीन मकान है, उसी मकान में तीनों छिप कर रह रहे हैं। पुलिस ने इसके लिए बकायदा पहले रेकी की और ये मालूम किया कि क्या वाकई में जो खबरी ने जो खबर दी है वो सही है या फिर गलत। उसके बाद जब पुलिस को ये पुष्टि हो जाती है कि वाकई में खबरी ने सही खबर दी है, ये तीनों बदमाश यहीं पर छिपे हुए हैं, तो पंजाब की अमृतसर पुलिस और हरियाणा के डबवाली सदर की पुलिस एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इन बदमाशों को पकड़ने के लिए निकल जाती है जो कि एरिया डबवाली सदर के एरिया में आता है। तो इन पुलिस वालों को भी सूचना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो ये भी टीम आती है और इन दोनों ने, दोनों ही टीमों ने इस पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया और फायरिंग कहीं ना कहीं धीरे धीरे शुरू हो गई। ये बदमाश उस वक्त उस निर्माणाधीन मकान में सो रहे होते हैं और जब इन्हें मालूम चलता है, एहसास होता है कि कोई इन्हें पकड़ने वाला है या फिर पुलिस यहाँ पर दस्तक दे चुकी है, तो ये मुस्तैद हो जाते हैं और अपनी अपनी बंदूकें निकालकर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि ये फायरिंग करीब 5 से 7 मिनट चली, ठीक वैसे ही जैसे जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू गुस्सा सिद्धू मूसेवाला के जो हत्यारे थे उनके एनकाउंटर के वक्त ये देखने को मिला था। तो ये तीनों जब ये समझ जाते हैं कि अब तो पुलिस से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो तीनों एक दूसरे को गोली मार देते हैं, यानी कि जंपी डॉन, बंटी ढिल्लो और निशांत, इन तीनों ने एक दूसरे को गोली मार दी और वहीं पर दो लोगों की मौत हो जाती है। जंपी और बंटी की मौत हो जाती है जबकि निशांत जिंदा था, उसके सीने में गोली लगी थी। बहरहाल इसके बाद पुलिस वहां पर अंदर पहुंचते हुए देखती है कि एक गैंगस्टर जिंदा है जबकि दो मर चुके हैं। तो निशांत को वहां से फिर अस्पताल भिजवाया जाता है जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस का बयान आता है कि इन तीनों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था तो इन तीनों ने आत्महत्या कर ली एक दूसरे को मार के। हालांकि इन तीनों बदमाशों के परिवार वालों ने हाई कोर्ट में जाने की बात कही थी उस समय और ये कहा था कि पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर उनके बेटों का फर्जी एनकाउंटर किया है। हालांकि इस बात को करीब 5 साल का वक्त बीत चुका है, 2017 की ये घटना है, 2017 में इनकी मौत हुई थी। आप अंदाज़ा लगाइए 2016 में देवेंद्र बम्बीहा का एनकाउंटर हुआ और 2017 में उसके गैंग के इन बदमाशों का एनकाउंटर हुआ था और तब तक लकी पटियाल भी देवेंद्र बम्बीहा गैंग की कमान को संभाल चुका था और ये तीनों मारे जाते हैं। फिलहाल इस बात को 5 साल का वक्त बीत चुका है, देवेंद्र बम्बीहा गैंग आज भी जिंदा है और देवेंद्र बम्बीहा गैंग आज भी कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देता है और इस गैंग को कहा जाता है कि इस वक्त ऑपरेट करता है गौरव उर्फ लकी पटियाल जो आर्मेनिया में बैठा है और वो बड़े बड़े कांडों को अंजाम देता है, जैसे कि विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या हुई उसमें भी बम्बीहा गैंग का नाम सामने आया, या फिर इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगलम्बिया की हत्या हुई उसमें भी देवेंद्र बम्बीहा का नाम आया। इससे पहले पंजाब में और कई सारी वारदातें हुई हैं जिसमें देवेंद्र बम्बीहा गैंग का नाम सामने आया, मतलब कि देवेंद्र बम्बीहा जिसका एनकाउंटर आज से 6 साल पहले हो चुका है उसके गैंग के और बदमाशों का एनकाउंटर हो चुका है लेकिन फिर भी देवेंद्र बम्बीहा गैंग को ऑपरेट करने वाला अभी भी जिंदा है और वो तरह तरह के वारदातों को अंजाम देता है। तो इस कहानी को सुनाने का मेन उद्देश्य ये था कि
इन तीनों की हत्या हुई थी, आत्महत्या हुई थी, इनका एनकाउंटर हुआ था, आखिर इनकी मौत कैसे हुई थी, तो पुलिस के बयान के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन तीनों ने एक दूसरे को देखकर गोली मार ली थी। पुलिस वालों से डर चुके थे तो इन्होंने सोचा कि अब तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो पुलिस की गोली से मरने से अच्छा है, पकड़े जाने से अच्छा है कि खुद ही गोली मार लो और अपने अपने जीवन लीला समाप्त कर लो। बहरहाल इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि अपराध की दुनिया में जो लोग कहीं ना कहीं बहुत आसानी से चले जाते हैं, वापसी का रास्ता उनका नहीं होता है। देवेंद्र बम्बीहा को देख लीजिए, इन तीनों लोगों को देख लीजिए, या फिर और जितने लोगों की बात अगर देखा जाता है अपराध की दुनिया में, तो उनका अंजाम ऐसे ही होता है, इतना ही बुरा होता है। ये जो जानकारी है हमने इंटरनेट के माध्यम से, अपने अलग अलग सूत्रों के माध्यम से ली है, हो सकता है कि इस जानकारी में कहीं ना कहीं कुछ 19-20 हो जिसको कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये सच नहीं है, ये गलत नहीं है, ये झूठ है। तो उनसे हम हमेशा ये कहना चाहते हैं कि हम जो जानकारी लेते हैं वो अलग अलग माध्यमों से लेते हैं या फिर अपने सूत्रों के हिसाब से जानकारी इकट्ठा करते हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ गलतियां हों। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी गलतियों को जिस तरह से आप लोग हमेशा क्षमा करते आए हैं, क्षमा करेंगे। वैसे फिर भी हम पूरी कोशिश हमारी रहती है कि किसी तरह की कोई गलती ना हो और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें रोज़ाना देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, वो कम से कम गलत जानकारी ना लें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, दीजिए इजाज़त।